हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। आई एम दीपक सावंत, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर स्टैंडर्ड 11th 12th नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th, चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आज हम बात करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब नीट में इसमें से क्रेब्स साइकिल में से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी वे में आज हम क्रेब्स साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब समझेंगे। यहाँ पे हर स्टेप को हम एकदम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, जिससे मतलब कोई भी डाउट जो होगा आपका क्रेब्स साइकिल के बारे में, वो सारे डाउट आज हम दूर कर देंगे। सो ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्रेब्स साइकिल। नाउ क्रेब्स साइकिल विच इज ऑल्सो नॉन एज अ TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, लाइक जैसे नीट में आपको क्रेब साइकिल की जगह पे TCA साइकिल लिखा होगा। सो TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल मीन्स क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज अ TCA साइकिल। सो TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नाउ फ्रेंड्स, जिसे हमने लास्ट वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने बात की थी। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस मींस के जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू पाइरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमको क्या मिला था लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो आप, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस का जो लेक्चर है वो आप देख सकते हो। बिकॉज क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस देखने के बाद ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म भी करते हैं और एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ रेस्पिरेशन में मतलब क्या होता है? तो रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड देन एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे एरोबिक में डिफरेंट वे में रेस्पिरेशन होता है, जबकि एनएरोबिक में डिफरेंट वे में रेस्पिरेशन होता है। बट जो फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये दोनों में कॉमन होती है। मतलब कि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों में जो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। सो वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। नाउ ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है एंड वो बनता है आपका पाइरुविक एसिड। तो लाइक जैसे ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और टू मॉलिक्यूल बनते हैं आपके पाइरुविक एसिड के, CH3COCOOH। सो दिस इज द पाइरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल बनेंगे बराबर। सो ये क्या है आपका पाइरुविक एसिड बराबर। नाउ दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहां पे ये जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है इनटू पाइरुविक एसिड, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। ओके, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, पिछला वीडियो हमारा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ही था। नाउ ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है कि आपका ये जो पाइरुविक एसिड जो बना,
अब ये पाइरुविक एसिड जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है सेल के अंदर, उसके साथ कंबाइन होता है, मतलब वो जो रिएक्शन होगा ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका कौन सा रिएक्शन होगा, हम बात कर रहे हैं एरोबिक, मतलब के एरोबिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें आपका फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो सेकेंड जो होगा वो होगा, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वो बनता है पाइरुविक एसिड के अंदर। नाउ अब ये पाइरुविक एसिड के साथ कार्बोक्सिल कोएंजाइम ए कंबाइन होगा, और ये बनेगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आपका क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुविक एसिड, दैट इज जो सेकेंड ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो आपकी दूसरी जो प्रोसेस होती है, सेकेंड प्रोसेस रेस्पिरेशन में, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन में, वो होता है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। ये आपका सेकेंड स्टेप होता है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि ये जो पाइरुविक एसिड आपका बना ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस से आपका ग्लूकोज बन गया पाइरुविक एसिड। नाउ अब ये पाइरुविक एसिड के साथ आपका कोएंजाइम ए कंबाइन हो जाता है। तो पाइरुविक एसिड के साथ आपका पाइरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए ये आपका कंबाइन हो जाता है, तो ये बनता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आपका सेकेंड स्टेप होता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो आपका क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होता है, मतलब यहां से हमारी ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका बना, कैसे बना मैं वापस बताता हूं कि जो ग्लूकोज होता है, हम जो खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है, ये जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है एंड देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका रेस्पिरेशन का, दोनों के अंदर होता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ये जो आपका पाइरुविक एसिड बना इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जहां पे क्या होता है कि ये पाइरुविक एसिड जो सेल के अंदर जो कोएंजाइम ए होता है उसके साथ कंबाइन होता है एंड देन ये बनाता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो आपका क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होता है, मतलब यहां से हमारी क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है, तो नाउ तो जैसे हम देखते हैं यहां पे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, क्रेब साइकिल पढ़ते हैं। क्रेब साइकिल नाउ, तो हमने क्या देखा कि आपका जो पाइरुविक एसिड बना ये पाइरुविक एसिड आपका क्रेब साइकिल के साथ एंटर हो जाएगा, मतलब कि क्रेब साइकिल के साथ कंबाइन हो जाएगा। कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होगा। सो दिस इज अवर पाइरुविक एसिड। प्लीज रिमेंबर पाइरुविक एसिड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड, ये थ्री कार्बन कंपाउंड होता है। सो दिस इज थ्री कार्बन कंपाउंड। अब ये पाइरुविक एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ये जो कोएंजाइम ए है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सो नाउ पाइरुविक एसिड आपका बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है इट इज अ टू कार्बन कंपाउंड। प्लीज रिमेंबर ये पाइरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि जो क्रेब साइकिल होती है, आपको ये पूछा जाता है कि क्रेब साइकिल नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब साइकिल अकर्स इन, तो प्लीज रिमेंबर कि क्रेब साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है, बराबर। नाउ ये एसिटाइल को एंजाइम ए बना आपका, बराबर। यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक कार्बन आपका रिमूव हो गया, ये जो पाइरूविक एसिड था उसमें से एक कार्बन रिमूव हो गया, और ये आपका रिमूव हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपका रिमूव हुआ, बराबर। नाउ ये एसिटाइल को एंजाइम, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये जो रिएक्शन होता है मतलब कि पाइरूविक एसिड जो एसिटाइल को एंजाइम के साथ कंबाइन होता है, एसिटाइल को एंजाइम कहाँ से आता है, सेल में से आता है। सो एसिटाइल को एंजाइम, सॉरी को एंजाइम ए, मुझे बार बार एसिटाइल, तो को एंजाइम ए आपका कहाँ से आता है, सेल में से आता है। तो यहाँ पे बच्चों देखो फर्स्ट क्या हुआ कि जो पाइरूविक एसिड आपका बना था CH3COOH, बराबर, ये पाइरूविक एसिड जो आपका बना था जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से बना था, अब ये पाइरूविक एसिड को एंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है, मतलब यहाँ पे पाइरूविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। सो NADIN जो है वो आपका बन जाता है NADIN, ये बनेगा हमारा NADH प्लस H हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे कुछ दूसरे भी एंजाइम होते हैं जैसे कि TPP थाइमिन पाइरोफॉस्फेट। तो बच्चों ये क्या बना हमारा, एसिटाइल को एंजाइम ए बना, एसिटाइल को एंजाइम ए आपका टू कार्बन मॉलिक्यूल होता है। नाउ अब आपको याद रखना है तो यहां से हमारी क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं क्रेब साइकिल, ये क्रेब साइकिल नहीं थी क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए ये जो मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल एक्चुअली क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होता है। क्रेब साइकिल को सर हेंस क्रेब ने 1937 में डिस्कवर की थी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रेब साइकिल होती है, ये डिस्कवर किया था सर हेंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। इसके लिए उनके नाम से इस साइकिल को हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। नाउ क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ए TCA साइकिल। आपको कभी कभी नीट के अंदर TCA लिखा होता है, TCA का मतलब ये होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपकी जो बनती है 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो इसमें बनता है क्रेब साइकिल के अंदर वो होता है आपका साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, देयरफॉर क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नाउ अब बच्चों क्या होता है, अब आपका ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है बराबर, इसका कंडेंसेशन होगा। मतलब अब क्या होगा कि फर्स्ट जो आपका रिएक्शन होगा वो होगा कंडेंसेशन में क्या होगा, ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए जो आपका बना, नाउ दिस एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर इनटू द क्रेब साइकिल, एसिटाइल को एंजाइम ए एंटर इनटू द क्रेब साइकिल, मतलब ये आपकी क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होगा, बराबर। एंटर होने के बाद थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं क्योंकि काफी इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। सो ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये आपका क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होता है। अब ये क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होता है इसकी वजह से आपको हम एसिटाइल को एंजाइम ए को हम इंट्रेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, इंट्रेंट मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो नोन एज ए इंट्रेंट मॉलिक्यूल। सो आपको यहां से भी नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से भी नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मॉलिक्यूल इज नोन एज ए इंट्रेंट मॉलिक्यूल इन क्रेब साइकिल। तो जो एसिटाइल को एंजाइम जो मॉलिक्यूल है इट इज ऑल्सो नोन एज अ इंट्रेंट मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये आपका क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होगा, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर होगा। नाउ अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है इट कंबाइंड विद द ऑक्सालोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में। सो नाउ
अब यहाँ पे आप देखो तो एसिटाइल को एंजाइम में जिसको हम बोलते हैं इंट्रेंट मॉलिक्यूल, इसको कौन लेता है, मतलब किसके साथ ये कंबाइन होता है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड के साथ। तो मतलब ये हमारा ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ऑक्सालो एसिटिक एसिड आपका कैसा होता है, फोर कार्बन कंपाउंड होता है, फोर कार्बन कंपाउंड, चार कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ये एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंबाइन होगा एंड देन कंबाइन होने के बाद ये आपका बनेगा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। सो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा हमारा, सो ये आपका कंबाइन हो गया एसिटाइल को एंजाइम में, क्रेब साइकिल के अंदर गया और क्रेब साइकिल के अंदर जाके ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन हो गया, बराबर। यहाँ से आप देखोगे तो इसके मतलब ये जो रिएक्शन होता है ये वाटर के प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे वाटर भी आपका एंटर होता है, वाटर H2O, ये वाटर भी एंटर होता है। नाउ अब ये आपका बनेगा साइट्रिक एसिड, ये हमारा बनेगा साइट्रिक एसिड। सो नाउ आपका जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी आपकी साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये साइट्रिक एसिड आपका सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है, साइट्रिक एसिड इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, बराबर। तो ऑक्सालो एसिड इज कन्वर्टेड मतलब के एसिटाइल को एंजाइम है प्लस ऑक्सालो एसिड प्लस वाटर, सो गिव्स साइट्रिक एसिड प्लस को एंजाइम ए। आपका जो को एंजाइम ए है वो फ्री हो जाएगा और वो वापस रीयूज होगा साइकिल के अंदर, वापस रीयूज होगा मतलब यहाँ से ये जो को एंजाइम ए है वो रिमूव हो जाता है और वो वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है दूसरे पाइरूविक एसिड को लेने के लिए, मतलब वो वापस रीयूज हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट आपका जो इक्वेशन बनता है, फर्स्ट इक्वेशन जो आपका बनेगा, जो क्रेब साइकिल होती है वो एट स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि क्रेब साइकिल कंप्लीट्स इन एट स्टेज, एट स्टेज में कंप्लीट होगी, ये कहाँ पे होती है, तो क्रेब साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, प्लीज रिमेंबर। नाउ अब क्या है आपका कि ये जो साइट्रिक एसिड बना, जो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, जो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, नाउ अब क्या होता है कि ये जो साइट्रिक एसिड है इसका डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड देन साइट्रिक एसिड, जो साइट्रिक एसिड है इट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या होगा, साइट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, साइट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा और ये क्या बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब के वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल एंटर हुआ था वो अब रिमूव हो गया, सो वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, H2O रिमूव हो गया। नाउ तो साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, साइट्रिक एसिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस एकोनिटिक, एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज ऑल्सो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी आपका सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये आपका सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा होगा, एकोनिटेस, एंजाइम आपका जो यूज होगा वो एंजाइम होगा एकोनिटेस, एकोनिटेस। सो बच्चों क्या हुआ, एसिटाइल को एंजाइम में कंबाइन हो गया ऑक्सालो एसिटिक एसिड के साथ, टू कार्बन एंड फोर कार्बन, देन फर्स्ट जो आपकी प्रोडक्ट बनी दैट इज द साइट्रिक एसिड, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल। ये साइट्रिक एसिड के अंदर क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ साइट्रिक एसिड साइकिल, CAC। वाई इट इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपकी बनती है वो बनती है हमारी सिक्स कार्बन कंपाउंड, या तो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल जो आपका बनता है वो है आपका साइट्रिक एसिड। नाउ एक क्वेश्चन आपको ये भी, जो जैसे भी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्रेब साइकिल है इट इज ऑल्सो नोन एज अ TCA साइकिल। वाई इट इज कॉल्ड TCA साइकिल, बिकॉज जो साइट्रिक एसिड होता है इट कंटेन थ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके अंदर थ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, देयरफॉर
क्रेप साइकिल इज ऑल्सो नोन एज अ TCA साइकिल, TCA साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। नाउ अब ये जो साइट्रिक एसिड का आपका बना सिस एकोनिटिक एसिड जो बना, अब ये सिस एकोनिटिक एसिड का हाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन मतलब के वापस आपका वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो जाएगा। सो वाटर मॉलिक्यूल आपका एंटर होने के बाद ये बनेगा आपका आइसोसाइट्रिक एसिड, ये बनेगा आपका आइसोसाइट्रिक एसिड। सो नाउ यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप देखो तो सिस एकोनिटिक एसिड इसका हाइड्रेशन होगा, मतलब हाइड्रेशन मींस के वाटर मॉलिक्यूल आपका एंटर हो जाएगा H2O। तो सिस एकोनिटिक एसिड का हाइड्रेशन होने के बाद ये जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, ये प्रोडक्ट आपकी बनेगी आइसोसाइट्रिक एसिड। सो इट्स फॉर्म आइसोसाइट्रिक एसिड, ये भी आपका सिक्स कार्बन कंपाउंड है, इट इज ऑल्सो सिक्स कार्बन कंपाउंड। एंजाइम आपका सेम रहेगा एकोनिटेस, एकोनिटेस, अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल, मतलब कि साइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन हुआ एंड देन साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड। नाउ सिस एकोनिटिक एसिड का आपका हाइड्रेशन हुआ बरोबर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो जाता है बरोबर। नाउ अब जो देखते हो तो ये जो आइसोसाइट्रिक एसिड है, ये आइसोसाइट्रिक एसिड आपका इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब के आइसोसाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, प्लीज रिमेंबर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब मैं दोनों को आपको अलग अलग करके बताता हूं, जैसे कि आइसोसाइट्रिक एसिड का सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव मतलब क्या होता है कि ये जो आइसोसाइट्रिक एसिड जो है आपका, ये जो आपका आइसोसाइट्रिक एसिड है इट लूजिस पेयर ऑफ हाइड्रोजन, ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन को लूज करेगा, मतलब हाइड्रोजन को लूज करेगा। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन को लूज करना दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एड होना या तो हाइड्रोजन का रिमूव होना उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो नाउ आइसोसाइट्रिक का अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव देखते हैं, ऑक्सीडेशन हम देखते हैं जहाँ पे आइसोसाइट्रिक एसिड जो है वो पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव करेगा एंड देन ये बनेगा आपका ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड। तो ये आपका बनाएगा ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड। तो आप देखो ऑक्सालो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड ये आपका सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, ये आपका सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है ऑक्सालो सक्सिनिक एसिड बरोबर। क्या हुआ यहां पे, इसने पेयर ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव किया, पेयर ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये क्या बनेगा कि जो हाइड्रोजन रिमूव किया वो कौन ले लेगा, एनएडी आयन, जो एनएडी आयन है ये जो हाइड्रोजन को जो रिमूव किया है उसको ले लेगा और एनएडी आयन बनेगा आपका एनएडीएच प्लस हाइड्रोजन आयन, प्लस हाइड्रोजन आयन बरोबर। तो अब देखो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने एनएडी आयन के मॉलिक्यूल बनते हैं, कितने एनएडी आयन के मॉलिक्यूल बनते हैं और कौन सा स्टेप पे बनते हैं। तो फर्स्ट आप देखो कि जब आइसोसाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, ऑक्सालोसक्सिनिक एसिड के अंदर, तब एक्चुअली आपका एनएडी आयन प्लस, सॉरी एनएडीएच प्लस हाइड्रोजन आयन आपका बनता है, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि एक्चुअली पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है एंड इट फॉर्म्स टू कंपाउंड, सॉरी टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। बट यहां पे हमको इजी हो इसके लिए हमने एक 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 मॉलिक्यूल लेके ही चले कि समझो कि एक मॉलिक्यूल है। तो एक्चुअली आपका साइट्रिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, साइट्रिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे बरोबर। यहां पे जैसे वाटर के दो मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, यहां पे NADH के दो, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन के दो मॉलिक्यूल आपके रिलीज होंगे, दो मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो ये हमने देखा, ये जो हम देखे थे ये आइसोसाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया एंड देन आइसोसाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन के बाद होगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन,
मतलब कि ये जो ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड है, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड का आपका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कि इसमें से एक कार्बन आपका रिमूव होगा, एक कार्बन आपका रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद ये आपका बनाएगा, तो ये बनेगा आपका अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। ये क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो रिमूव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो रहा है, मतलब कि 6 कार्बन थे, एक कार्बन आपका रिमूव हो गया, तो ये बना आपका 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ये हमारा बना 5 कार्बन मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? सो अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड का आपका 5 कार्बन मॉलिक्यूल बना, बराबर, एक मतलब दो मॉलिक्यूल बने 5 कार्बन कंपाउंड के, अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइसोसाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन डी कार्बोक्सिलेशन होगा, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड के अंदर ये आपका कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एंजाइम कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे आपका एंजाइम होगा आइसोसाइट्रिक डीहाइड्रोजिनेस, क्योंकि डीहाइड्रोजन हो रहा है ना, मतलब कि हाइड्रोजन एक्चुअली रिमूव हो रहा है, सॉरी थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रहा है। सो नाउ आइसोसाइट्रिक एसिड में यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा आपका, आइसोसाइट्रिक डीहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा आपका, जो ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड का जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली डीकार्बोक्सिलेस एंजाइम ही यूज होगा, तो एंजाइम यहाँ पे होगा आपका ऑक्सैलोसक्सीनिक डीकार्बोक्सिलेस, ये एंजाइम आपका यूज होगा डीकार्बोक्सिलेस, ये एंजाइम आपका यूज होगा। नाउ अब क्या होगा कि ये जो अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड है, जो 5 कार्बन कंपाउंड है, प्लीज रिमेंबर ये आपका 5 कार्बन कंपाउंड है, अब ये अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड का आपका डीहाइड्रोजिनेशन होगा, एंड देन ये आपका बनेगा सक्सिनिल को एंजाइम ए, जो आपका 4 कार्बन कंपाउंड, मैं समझाता हूं आपको। तो यहां पे आपका क्या होगा, तो ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बराबर, एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब कि एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हुआ यहां पे भी, तो अब देखो कितने कार्बन थे, 5, एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो गया, तो ये आपका क्या बना, एक कार्बन चला गया, मतलब कि 4 कार्बन, मतलब ये आपका एक 4 कार्बन कंपाउंड बना, वो 4 कार्बन कंपाउंड का नाम है सक्सिनिल को एंजाइम ए, तो ये आपका बनेगा सक्सिनिल को एंजाइम ए, बराबर। ये को एंजाइम कहां से आया कि सेल में से को एंजाइम इसके साथ अटैच हो गया, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि को एंजाइम यहां पे कंबाइन हो रहा है, को एंजाइम यहां पे आपका कंबाइन हो रहा है, मतलब कि अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड के साथ आपका को एंजाइम जुड़ रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब कि एक कार्बन आपका रिमूव हो रहा है, और दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ये जो अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड है ना, ये अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड आपका इट लूजिस पेयर ऑफ हाइड्रोजन, ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन को लूज करेगा, जो कौन ले लेगा, वो हाइड्रोजन को NADIN ले लेगा, तब देखो वो तो सिंपल याद रखना है, NADIN हर बार हाइड्रोजन को ले लेता है जो भी, मतलब सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो NADIN तो इसका आपका बनेगा NADH+ हाइड्रोजन आयन, तो अब देखो तो दूसरा NADH आयन यहां पे बना, मतलब अब तक
अब तक चार NADH आयन आपके बन गए, चार फोर मॉलिक्यूल बने। ये सारे याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे बनता है। तो जब अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है एंड फॉर्म सक्सिनिल को एंजाइम ए, तब आपका एक मॉलिक्यूल, मतलब अगर एक होगा तो एक, यहाँ पे दो है ना सक्सिनिल, क्योंकि पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल है ना, तो ये सारे दो दो मॉलिक्यूल, बट हमारे लिए हम अभी वन मॉलिक्यूल लिखे। तो यहाँ पे आपका NADH आयन यहाँ पे आपका बनेगा। तो ये जो आपका सक्सिनिल को एंजाइम ए है ना, ये आपका फोर कार्बन कंपाउंड है, फोर कार्बन कंपाउंड, प्लीज रिमेंबर, ये हमारा फोर कार्बन कंपाउंड है। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, ये सारे रिएक्शन को हम कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड फॉर्म सक्सिनिल को एंजाइम है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि ऑक्सीडेटिव इसके लिए क्योंकि हाइड्रोजन जो पेयर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन इसके लिए हम बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो रहा है। नाउ अब आप देखो तो हमारा बना क्या, तो हमारा बना सक्सिनिल को एंजाइम ए बना, सक्सिनिल को एंजाइम ए, यहाँ पे सक्सिनिक एसिड भी है और आपका और को एंजाइम है। अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, तो देन सक्सिनिल को एंजाइम ए, मतलब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट होता है, मतलब यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है एंड सक्सिनिल को एंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड के अंदर, मतलब ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड बनेगा, जो फोर कार्बन कंपाउंड है, जो फोर कार्बन कंपाउंड है सक्सिनिक एसिड, बराबर। नाउ को एंजाइम ए आपका कहां पे चला गया, वापस निकल गया, वापस रीयूज होने के लिए को एंजाइम ए आपका निकल गया। तो यहां पे आप देखो तो को एंजाइम ए आपका निकल गया, को एंजाइम ए। नाउ जब सक्सिनिल को एंजाइम ए, बराबर, जब सक्सिनिल को एंजाइम ए आपका कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, जो फोर कार्बन कंपाउंड है, तब एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनता है और जीटीपी का एक मॉलिक्यूल बनता है। मतलब होता क्या है आपका, तो जो एटीपी होता है, तो जो एडीपी होता है, एडीपी, तो एडीपी आपका कन्वर्ट होता है एटीपी में। मतलब यहां पे दो मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे, दो मॉलिक्यूल एटीपी के यहां पे बनेंगे, बराबर। नाउ जीडीपी का आपका बनेगा जीटीपी। तो दो मॉलिक्यूल जीटीपी के यहां पे बनेंगे। मतलब याद रखना है कि जब सक्सिनिल को एंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड, क्योंकि सक्सिनिल को एंजाइम ए में आपका जो को एंजाइम है, तो ये को एंजाइम आपका रिमूव हो रहा है, वो वापस रीयूज के लिए चला गया, बराबर। तब आपका दो एटीपी बनेंगे, और दो एडीपी बनेंगे, एडीपी बनेंगे, बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये जो पूरी जो साइकिल है, क्रेब साइकिल, जो पूरी क्रेब साइकिल है ना, यहाँ पे कहीं पे भी एटीपी मॉलिक्यूल यूज नहीं होता है, जबकि एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, बराबर। तो वहां पे आपके दो एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं और चार एटीपी मॉलिक्यूल आपके बनते हैं, मतलब कि जो नेट मॉलिक्यूल जो एटीपी में बनते हैं ना, वो दो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ पे बना आपका, एंड दो मॉलिक्यूल जीटीपी यहाँ पे बना। और अब तक हम देखते हैं तो NADH आयन के चार मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बने, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बने, बराबर। नाउ अब क्या होगा, तो अब जो आपका सक्सिनिक एसिड जो है, ये जो हमारा सक्सिनिक एसिड है, इसका वापस डीहाइड्रोजिनेस होगा, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन वापस आपका रिमूव होगा, और ये जो सक्सिनिक एसिड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमिरिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो नाउ आप देखो, मतलब ये जो सक्सिनिक एसिड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमिरिक एसिड, सो फ्यूमिरिक एसिड, ये फ्यूमिरिक एसिड भी आपका फोर कार्बन कंपाउंड होता है,
फ्यूमरिक एसिड, सॉरी, सो फ्यूमरिक एसिड इज ऑल्सो फॉर कार्बन कंपाउंड, बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डीहाइड्रोजिनेस हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेस मतलब कि उसको हम ऑक्सीडेटिव भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव करना मतलब ऑक्सीडेशन, तो डीहाइड्रोजिनेस हो रहा है, बराबर, डीहाइड्रोजिनेस। नाउ यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है ना, वो कौन ले रहा है, एफएडी ले रहा है, एफएडी। तो जो एफएडी है, ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये एफएडी ने ले लिया, और एफएडी आपका बनेगा एफएडीएच2, एफएडीएच2 बनेगा, एफएडीएच2 बनेगा। यहाँ पे एंजाइम आपका कौन सा होगा, फ्यूमरिक डीहाइड्रोजिनेस, एंजाइम कौन सा होगा आपका, फ्यूमरेट डीहाइड्रोजिनेस, एंजाइम में यहां पे लिख लेता हूं, जगह कम है, तो फ्यूमरेट डीहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम आपका यहां पे बनेगा। मतलब अब आप देखो तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बने फ्यूमरिक एसिड के, मतलब यहां पे हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया है, बराबर, जो फोर कार्बन कंपाउंड है, जो आपका फोर कार्बन कंपाउंड है, बराबर। नाउ अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, बराबर, ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, ये आपका बन जाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, बराबर। यहाँ पे कोई डी कार्बोक्सिलेशन या वो नहीं होता है, तो ये बनता है हमारा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड इज ऑल्सो फोर कार्बन कंपाउंड, फोर कार्बन कंपाउंड है ये। यहाँ पे आपका जो एंजाइम होगा वो होगा फ्यूमरेस, एंजाइम जो होगा वो होगा हमारा फ्यूमरेस, फ्यूमरेस, बराबर। मैलिक एसिड इज कन्वर्ट, नाउ मतलब के जो आपका फ्यूमरिक एसिड है, सो फ्यूमरिक एसिड आपका क्या बन गया, मैलिक एसिड बन गया, बराबर, मैलिक एसिड बन गया। मैलिक एसिड इज ऑल्सो फॉर कार्बन कंपाउंड, ये भी आपका फॉर कार्बन कंपाउंड है, बराबर। नाउ अब ये जो मैलिक एसिड है, इसका डीहाइड्रोजिनेस होगा, मतलब मैलिक एसिड का डीहाइड्रोजिनेस होगा, एंड देन मैलिक एसिड इज वापस आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सालो एसिटिक एसिड में, ऑक्सालो एसिटिक एसिड में। सो मैलिक एसिड का क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेस हो रहा है, मतलब ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर रहा है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हाइड्रोजन आपका एनएडी आयन ले लेगा, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो एनएडी आयन, एनएडी आयन का आपका बनेगा एनएडीएच प्लस हाइड्रोजन आयन, प्लस हाइड्रोजन आयन ये आपका बनेगा। यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा होगा, मैलिक डीहाइड्रोजिनेस, सो मैलिक डीहाइड्रोजिनेस ये आपका एंजाइम होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखते हो ना, ऑक्सालो एसिटिक वापस आ गया, वापस आपका ऑक्सालो एसिड आ गया। इसके लिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक, ये साइकिल है एक, ये साइकिल आपकी चलती जा रही है, ये साइकिल जो होती है वो आपकी चलती जाती है, अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस हम थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से, बराबर। आप देखो कि ग्लाइकोलाइसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस दोनों के अंदर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। मतलब कि जो रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो दोनों में होता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। वहां पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज का था, ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल, वो ब्रेक डाउन हो जाता है आपका दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड के अंदर, पाइरूविक एसिड के अंदर। नाउ फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब कि जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, तो उनमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस में आपका बनता क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा बनता है जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड। नाउ सेकेंड, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस। उसमें क्या होगा आपका कि
जो ग्लूकोज का जो वो मॉलिक्यूल है वो टूटता है और दो मॉलिक्यूल बनते हैं आपके पाइरूविक एसिड के। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये जो पाइरूविक एसिड जो आपका बना हुआ है जो CH3COCOOH, ये जो आपका बना है पाइरूविक एसिड दो मॉलिक्यूल, अब इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ये क्या बनेगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो टू कार्बन कंपाउंड होता है ये आपका क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होता है। इसके लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम इंट्रेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, यहां से भी आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। नाउ अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो गया और क्रेब्स साइकिल के अंदर जो फोर कार्बन कंपाउंड था आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड उसके साथ कंबाइन हो गया बरोबर, एंड देन ये बनेगा आपका साइट्रिक एसिड सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल बरोबर। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा आपका कंडेंसिंग एंजाइम, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे आपका एंजाइम होगा कंडेंसिंग एंजाइम। ओके नाउ अब क्या बना आपका साइट्रिक एसिड का आपका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ये रिमूव करेगा तो साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड, इट इज आल्सो सिक्स कार्बन कंपाउंड, इट इज आल्सो सिक्स कार्बन कंपाउंड विच एंजाइम इज यूज, सो एंजाइम इज एकोनिटेस। नाउ अब ये जो सिस एकोनिटिक एसिड है इसका हाइड्रेशन होगा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा एंड नाउ सिस एकोनिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा विच इज आल्सो सिक्स कार्बन कंपाउंड, एंजाइम सेम है एकोनिटेस, सेम एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। नाउ अब ये जो आइसोसाइट्रिक जो एंजाइम है आपका आइसोसाइट्रिक एसिड है जो सिक्स कार्बन कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन होगा, या तो हम बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं डीहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब कि ये जो आइसोसाइट्रिक एसिड जो है वो इट लूजेस पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सालोसक्सिलिक एसिड, इट इज आल्सो सिक्स कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे एंजाइम आपका कौन सा यूज होगा, एंजाइम होगा आपका आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेस ये होगा। नाउ ऑक्सालोसक्सिलिक एसिड विच इज आल्सो अ सिक्स कार्बन कंपाउंड इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कि एक कार्बन रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, तो देन ऑक्सालोसक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड बरोबर, जहां पे एंजाइम कौन सा होगा ऑक्सालोसक्सिलेट डीकार्बोक्सिलेस ये होगा। नाउ अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड आपका फाइव कार्बन कंपाउंड है बिकॉज एक कार्बन तो यहां पे रिमूव हो गया ना। नाउ अब ये जो अल्फा केटोग्लुटारिक जो एसिड है अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड इसका डीहाइड्रोजिनेस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब ये वापस पेयर ऑफ हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, एनएडी आयन ले लेगा और वो बनेगा आपका एनएडीएच प्लस हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो गया और सेल में से कोएंजाइम ए अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड के साथ कंबाइन हो गया और ये जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी सक्सिनिल कोएंजाइम जो फोर कार्बन कंपाउंड है बरोबर। नाउ अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम जो ए है ये सेपरेट हो जाएगा, मतलब के जो कोएंजाइम ए है वो रिमूव हो जाएगा एंड नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड व्हिच इज आल्सो फोर कार्बन कंपाउंड बरोबर। यहां पे एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, मतलब के वन मॉलिक्यूल, मतलब एक्चुअली टू मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट होंगे, जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, दो मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, एंजाइम आपका सेम एंजाइम होगा सक्सिनेट कोएंजाइम ए, सक्सिनेट एंजाइम यूज होता है। नाउ सक्सिनिक एसिड का आप देखोगे तो वापस डीहाइड्रोजिनेस होगा एंड सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, एंजाइम होगा आपका फ्यूमरेट डीहाइड्रोजिनेस। अब ये जो हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन के जो आयन रिमूव हुए थे उसको एफएडी ले लेगा एंड एफएडी इज कन्वर्टेड इनटू एफएडीएच2 बरोबर, दो मॉलिक्यूल बनेंगे। नाउ फ्यूमरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड
मेलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा और वो बनेगा आपका ऑक्सलो एसिड एसिटिक एसिड और वापस ये चला जाएगा। तो आप देखोगे ना, तो एक्चुअली ये जो क्रेब साइकिल होती है इट इज अ साइक्लिक साइकिल, जबकि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो आपका लीनियर साइकिल होती है, लीनियर साइकिल। नाउ आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो क्रेब साइकिल के अंदर NADH प्लस H के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, तो NADH प्लस H मतलब NADH सिंपल NADH, तो NADH के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो टू मॉलिक्यूल यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पाइरूविक एसिड के एक्चुअली दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेंगे, दो मॉलिक्यूल साइट्रिक एसिड, दो मॉलिक्यूल सिस एकोनिटिक एसिड, तो ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल एनएडी के बनेंगे। सो एनएडी के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, बराबर टू मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे बनेंगे, एन टू मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे। तो आपको ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस या तो फॉर्म ड्यूरिंग अ क्रेब साइकिल, तो सिक्स मॉलिक्यूल ये आपको याद रखना है, सिक्स मॉलिक्यूल आपके बनेंगे। नाउ एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल, जीटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, दो मॉलिक्यूल। सो एटीपी के कितने मॉलिक्यूल आपके बने, दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल। जीटीपी के कितने मॉलिक्यूल आपके बने, टू मॉलिक्यूल। बराबर FADH2 के कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल। FATH2 के कितने मॉलिक्यूल बने, टू मॉलिक्यूल। सो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जो हम देखेंगे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो प्रॉपर आपका जो रेस्पिरेशन होता है उसके बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो अगर हमारी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो प्रॉपर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, एंड देन उसका ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्ट आपके बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। बट ये बनने में आपके अलग अलग स्टेज होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब साइकिल होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूविक एसिड होता है, एंड ETS होता है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे ETS, उसके लिए आपको याद रखना है, बराबर ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस की, दैट टॉपिक इज नोन एज अ क्रेब साइकिल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, मैक्सिमम मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिशियल हो, दैट इज अवर मोटो। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्लीज प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो लेक्चर है उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एक भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। बर सो थैंक यू मेरे अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Keep studying, keep watching, and अपना ख्याल रखें। Take care. Okay? Thank you.